हेलो दोस्तों, ये मेरा हाथ में आप देख सकते हैं लावा Z3 मोबाइल है। तो इसमें जो है पैटर्न लग चुका है। तो आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपके पास अगर लावा Z3 मोबाइल है तो आपको अगर पैटर्न लग चुका है तो किस तरह पैटर्न को अनलॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरफ सबसे पहले आपको फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। तो यहाँ से मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऊपर वाला बटन है, ये जो तो प्लस वाला बटन है, ये वॉल्यूम ऊपर वाला बटन और पावर की, तो आपको दोनों को एक साथ दबा के रखना है। तो जैसे ही फोन ऑन होगा तो इस तरह इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे तो आएगा रिकवरी मेनू और फास्ट बूट मोड और नॉर्मल मोड। तो ये जो आपको वॉल्यूम जो ऊपर वाला बटन है, इसको आपको दबाना है और आपको रिकवरी पर ले जाना है। जो सबसे ऊपर वाला है, रिकवरी में ले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिकवरी पे ले जाना है। रिकवरी में लेने के बाद जो ये वॉल्यूम डाउन वाला बटन, तो इसको एक बार क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका कुछ रिकवरी मेनू खोल के आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह पे इंटरफेस आएगा। तो आने के बाद आपको ये जो पावर वाला बटन है, इसको आपको दबा के रखना है और ये वॉल्यूम वाला बटन को एक बार दबा के छोड़ देना है। इसको पहले पावर वाला बटन को आपको दबा के रखना है और ये वॉल्यूम बटन को दबा के छोड़ देना है तुरंत। तो इस तरफ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम डाउन मदद से यहाँ से आपको फैक्ट्री रीसेट जो लिखा हुआ है वहाँ तक लाना है। लाने के बाद आपको पावर वाला बटन एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंसिल और फैक्ट्री डाटा रीसेट बोल के आएगा। तो यहाँ से फिर से आपको वॉल्यूम का मदद से यहाँ से डाउन लेना है। डाउन लेने के बाद पावर वाला बटन को क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाइप डाटा जो है, वाइप डाटा फॉर्मेटिंग बोल के आ रहा है। तो यहाँ आपका वाइप डाटा जो है फॉर्मेट हो जाएगा। तो होने के बाद हम यहाँ से सिंपली पावर वाला बटन जो है, इसको आपको एक बार दबा देना है। तो आप जैसे ही दबाएंगे फोन जो है रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद आपका फोन में अगर पिन, पैटर्न, पासवर्ड जो भी है आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो इस तरफ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से हम सेटअप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, स्किप कर देते हैं।